हेलो दोस्तों, वी केयर फार्मेसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रिव्यू करने वाले हैं टेक्सानेम एमएफ टैबलेट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास है टेक्सानेम एमएफ टैबलेट। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके मैन्युफैक्चरर, इसके यूजेस, इसके साइड इफेक्ट के बारे में और इसके कुछ सेफ्टी एडवाइस के बारे में कि किन केसेस में इस टैबलेट को नहीं लेना है। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में हमारी कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में, इसके अंदर डाला क्या गया है। दोस्तों, इसके अंदर डाले गए हैं दो साल्ट। ये कॉम्बिनेशन साल्ट के अंदर ये टैबलेट बनाई गई है। एक है ट्रांजेमिक एसिड और दूसरा है मेथेनमिक एसिड। तो ट्रांजेमिक एसिड क्या होता है दोस्तों? ये एक एंटी फिब्रिनियोलिटिक एजेंट है जो प्रिवेंशन करता है ब्लड क्लोट्स को टूटने में, उसको बचाता है, टूटने नहीं देता, जिसकी वजह से कंट्रोल कर पाते हैं हम एक्सेसिव ब्लीडिंग जो पीरियड्स के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान लेडीज को आती है, उसके एक्सेसिव ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। और मेफेनमिक एसिड आप दोस्तों जानते हैं, नसेड्स का काम करता है, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। जो जो प्रोडक्शन है केमिकल मैसेंजर प्रोस्टाग्लैंडिंस का, उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से पेन और इन्फ्लामेशन यानी रेडनेस और स्वेलिंग या दर्द वगैरह, सूजन वगैरह नहीं आती। तो इस तरह ये दो कॉम्बिनेशन की मेडिसिन है, वर्क करती है, ट्रांजेमिक एसिड और मेफेनमिक एसिड। अब बात करते हैं कि ये इसको बनाया किस कंपनी द्वारा गया है। दोस्तों, इसी सेम नेम से आपको मैनकाइंड फार्मा कंपनी द्वारा भी इस टैबलेट मिल जाएंगी। और ये जो मेरे पास है जेनरिक है, जिसका एमआरपी की बात करें तो 242 रुपये 10 टैबलेट का आपको कॉस्ट करता है। आप दूसरी ब्रांड्स भी खरीद सकते हैं सेम साल्ट में, वो आपको ज़्यादा सस्ती भी मिल सकती है। तो दोस्तों, बात करें स्टोरेज की, तो इसकी आम स्टोरेज है वही 10 से 30 डिग्री सेल्सियस पर आप स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका यूज किन किन चीजों के लिए किया जाता है। इसका यूज किया जाता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के दौरान, जब पीरियड्स के दौरान यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो ज्यादा होने लगे या मेंस्ट्रुअल पेन ज्यादा होने लगे, ज्यादा दर्द या जकड़न ज्यादा होने लगे, उस दौरान इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लीडिंग के दौरान जो हैवी ब्लीडिंग होती है उसमें ये कैसे वर्क करती है? जो ट्रांजेमिक एसिड है वो जो ब्लड है, जो एक्सेसिव ब्लड है, उसके क्लोट्स को बनने नहीं, टूटने नहीं देता, और इस तरह ये क्लोट्स को रोक देता है, जिसकी वजह से जो पीरियड्स के दौरान जो लीनिंग होती है यूट्रस की, उसको रोक देता है और उसको ब्रेकडाउन नहीं होने देता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है, रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है। और मेफेनमिक एसिड उस पेन को कम करता है, उस इन्फ्लामेशन को कम करता है, इस तरह से ये आराम करता है। बात करें इसके साइड इफेक्ट की, इसको लेने के बाद कुछ साइड इफेक्ट आपको हो सकते हैं। नोजिया वोमिटिंग, जो कि आम बात है, यानी मतली आना, उल्टी जैसा फील होना, चक्कर आना या कमजोरी महसूस होना या वोमिटिंग आना, हार्ट बर्न, कलेजा जलने जैसी समस्या आपको हो सकती है, इनडाइजेशन, आपका डाइजेशन खराब हो सकता है, डायरिया, भूख कम लगना या भूख ही ना लगना, इस तरह की भी समस्या होने लगती है। लेकिन ये बहुत ही आम केस, किसी किसी केसेस में होता है, ऐसा हर केसेस में नहीं होता। साइनस पेन, जो साइनस रीजन में जो पेन है, इन्फ्लामेशन है, वो होने लगती है। तो इस तरह से बात करते हैं कुछ अल्टरनेटिव ब्रांड्स की। तो आप चाहें तो मार्केट से उन्हें भी खरीद सकते हैं, जैसे जेडिक्स टैबलेट भी आती है आप, और 60M टैबलेट भी खरीद सकते हैं, ट्रांसटेट जो कि काफ़ी मशहूर है, उस टैबलेट को भी आप खरीद सकते हैं, ट्रांसटेट MF टैबलेट आप खरीद सकते हैं मार्केट से। बहुत सी मार्केट में इस तरह की मेडिसिन अवेलेबल हैं। आप चाहे तो किसी में, जिस मेडिसिन के अंदर आपको ये साल्ट मिले उस मेडिसिन को आप खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इसको लेते समय क्या क्या सेफ्टी एडवाइस आपको रखनी है। एल्कोहल का इस्तेमाल इस टैबलेट के साथ नहीं किया जाता, तो बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल अनसेफ है। प्रेगनेंसी के दौरान आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ये बिल्कुल सेफ है, अगर आपको प्रिस्क्राइब की गई है तो आप ले सकते हैं। आपके बेबी पर किसी भी तरह का कोई भी इसका असर नहीं देखने को मिलेगा। बात करें ड्राइविंग की, कि इसको लेने के बाद किसी तरह की कंसंट्रेशन लूज होती है, तो ये बिल्कुल अनसेफ है। इसको लेने के बाद बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, ना ड्राइविंग करें, ना ही मशीनरी वर्क करें, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ ऑपरेट ना करें। किडनी डिजीज के दौरान इसको रेकमेंड नहीं किया जाता, ना ही इसको लीवर डिजीज के दौरान। लेकिन अगर नॉर्मल लीवर आपका, किसी भी तरह की छोटी मोटी लीवर डिजीज है, तो ये सेफ है, प्रिस्क्राइब की जा सकती है। तो दोस्तों, ये थी इस टैबलेट के बारे में मेरा रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।